सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व हर साल दिवाली से ठीक दो दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन यमराज और भगवान धन्वंतरी के साथ ही माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा का महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह की कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर सागर मंथन के बाद प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अंश अवतार है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि इस अवसर पर बर्तन खरीदना चाहिए। मान्यता अनुसार इस दिन की गई खरीदारी लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करती है। अब जानते हैं धन्वंतरी की पूजा कैसे की जाती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या फिर चित्र साफ स्थान पर पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें और फिर भगवान धन्वंतरी का आह्वान निम्न मंत्र से करें। इसके बाद पूजन स्थल पर चावल चढ़ाएं और आचमन के लिए जल छोड़ें। भगवान धन्वंतरी के चित्र पर गंध, गुलाब के पुष्प तथा रोली आदि चढ़ाएं। चांदी के पात्र में खीर का निवेद लगाएं। अब दोबारा आचमन के लिए जल छोड़ें। मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी चढ़ाएं। धन्वंतरी को वस्त्र अर्पण करें। अब भगवान धन्वंतरी को श्रीफल और दक्षिणा चढ़ाएं। अब दोबारा आचमन के लिए जल छोड़ें। रोग नाश की कामना के लिए इस मंत्र का जाप करें। ओम रम रुद्र रोग नाशय धन्वंतरय फट। अब जानते हैं भगवान कुबेर की पूजा कैसे की जाती है। धनतेरस पर धन के देवता भगवान कुबेर को प्रसन्न कर धनवान बन सकते हैं। यदि कुबेर आप पर प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी। कुबेर को प्रसन्न करना बेहद आसान है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु घर के पूजा स्थल में एक दिया जलाएं। मंत्रोच्चार के द्वारा आप कुबेर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए जातक कुबेर यंत्र के सामने विशेष मंत्रों का उच्चारण 108 बार करें। यह उपासना धनतेरस से लेकर दिवाली तक की जाती है। ऐसा करने से जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता, दारिद्रता का नाश होता है और व्यापार में वृद्धि होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।